अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल लाइफ के तजमत से। दोस्तों आज हम शूट करने आए हैं वापस से नूर भाई के वहाँ, और माशाल्लाह काफ़ी क्वालिटी में आज आपको यहाँ पर चीज़ें देखने मिलेगी। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखें, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जिस किसी भाई को वीडियो शूट करवाना हो मेरे चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी जीमेल आईडी दोनों ही मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्राइस होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम रिजवान भाई, और खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सेटअप तो देखो, पहले भी मैंने शूट किया यहाँ जी पे। भाई काफ़ी अच्छा सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ मैं ये लोगों को बोलूँगा कि भाई एक बार आके विजिट करें, एक मतलब आपके घर के ऊपर ही, मेरे घर के पास में है। हाँ, ये तो अपना एड्रेस है गैबी नगर, अपना हॉस्पिटल के पास, अपना मुस्तफा कंपाउंड, अपना हॉस्पिटल गैबी नगर, हॉस्पिटल सबको मालूम है। हाँ, तो वहाँ पर आके फ़ोन करेंगे, पिक कर लेंगे वहाँ। और आपका काम जो है वो ज़्यादातर पलाई का है? ज़्यादातर पलाई का है, अपना ज़्यादातर खस्सियों में है, इसलिए खस्सी का जो ये बाड़ा है ना, ये ज़्यादा बना है। केजेस मेरे पास अभी अवेलेबल चार पाँच ही है, चार ही केजेस अवेलेबल है, लेकिन अपना मेन काम खस्सियों का है। खस्सियों का है जी भाई। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे इंशाल्लाह एक्सटेंड होगा, क्योंकि जगह देख सकते हैं, जगह तो बहुत है, जगह यहाँ पर पूरा स्पेस अभी बहुत है, तो धीरे धीरे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, सेट हो रहा है मामला। और काफ़ी एक अच्छा छोटा सा सेटअप है ये, पर्सनल आप विजिट करें आके। और दूसरी चीज़ के हम ये रिजल्ट भी बताएंगे कि बकरे माशाल्लाह, ये सब बकरे पहले क्या डिटेल पे थे और आज माशाल्लाह क्या डिटेल पे हुए हैं। मैं लोगों से एक चीज़ बोलूँगा, अभी अपने पास पलाई की जगह कितनी है? अभी अपने पास खस्सियों का देखा जाए तो 30 बकरे तो एकदम आराम से आ जाएंगे, 30 बकरे आराम से आ जाएंगे। और केजेस में अपने पास 4 ही है फिलहाल। हाँ, लेकिन अगर कोई खूटे पे रखना चाहे, जैसे मेंढे आते हैं, मेंढे खूटे पे ज्यादातर रहते हैं, तो उनके लिए तो मेरे पास समझो अभी 10-15 जगह है आराम से, खूटे के लिए आराम से जगह है। तो मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा, काफ़ी और भी जगह है, लोग पलाई करते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो अगर मैं रिकमेंड करूँ लोगों को, ये बोलूँगा कि भाई कम से कम एक बकरा अपना यहाँ रख के पहले देख ले जी भाई। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आगे आपको 2 रखना है, 4 रखना है, जैसा आपको सहूलत आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आया आप रखिए वैसे। लेकिन ये मैं बोलूंगा पर्सनली, बहुत सालों से जानता हूँ मैं आपको, तो एक बकरा तो रख कर देखें। देख सकते हो जी भाई। हाँ, बहुत जो ज़्यादा बकरे यहाँ वहाँ रखते हैं, तो एक बकरा यहाँ भी रख कर देखें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट मैं अभी बकरों में देख रहा हूँ। मैं समझ लो कितना टाइम बाद जी अपना बकरी के टाइम शूट हुआ था, इन्हीं बकरे, यही बकरे थे, और जब ये बहुत छोटे बकरे थे जी भाई, जो बहुत छोटे दांत तोड़े थे करीब। और माशाल्लाह आज जो रिंकल आया है, जो चीजें बनी है माशाल्लाह, एक एक बकरा हम दिखाएंगे। इसमें फॉर सेल के लिए भी बकरे हैं जी भाई, 4 बकरे फॉर सेल के। तो इसी वीडियो में दिखा दो, हम फॉर सेल के बकरे जो है वो भी दिखाएंगे, ठीक है, चलेगा। तो पहले कुछ बकरे दिखाते हैं, फिर पलाई आप क्या लेते हो वो भी इंशाल्लाह बात कर लेंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड है क्या नहीं है सब डिटेल में बात कर लेंगे जी भाई। तो बकरे कौन से फॉर सेल के लिए इसके अंदर है? देखिए रिजन, ये कोटा है, कोटा 4 दांत फ्रेश, चौथा निकाल भाई, लेकिन बच्चा देख ले कंप्लीट बच्चा है, सीना वगैरह फ्रेम क्वालिटी माशाल्लाह बेहतरीन। बकरा मैं हर जगह दिखाता हूं आपको, 8 केजी पे आएगा इंशाल्लाह। 58 ये महीने की स्टार्टिंग का वजन का काटा है, 58 आया था। हाँ, अभी जो भी आएगा ऊपर प्लस जो आएगा या माइनस जो भी आएगा, हर महीने वजन होता है, वजन का काटा भी है। 4 दांत है, 58 केजी, और अंडू बकरा है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये अंडू बकरे भी आपके वहाँ खुले एक ही साथ खुले हैं सब साथ में भाई। मेरा कैसा है, मैं जो बकरे जो अंडू रहते एकदम गरम, हाँ, उनको ही मैं जैसे केज में रखता हूँ। केज में रखते हो आप, जो बाकी को परेशान करते हैं खाने नहीं देते उनको सिर्फ अलग रखता हूँ, बाकी जो है सब साथ में रहते। वैसे अक्सर राजस्थान में भी आप देखोगे सब बकरे साथ में रहते, अलग कोई नहीं रहता। तो ये एक सिस्टम एक अच्छा, ये अभी दोपहर का वक्त है, सब बकरे माशाल्लाह ऊपर है, हालांकि ये गेट खुला रहता है, और ये शाम में सुबह में सब यहाँ रहते हैं, सुबह सब बकरे माशाल्लाह बाहर खेलते कूदते हैं, धूप वगैरह लेते हैं आराम जी भाई, है ना, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, आराम से अपना घूमते फिरते खेलते रहते हैं। डिमांड क्या कर रहे हो इसका भाई? 28,000 और ये सब बकरे जो है वो पाले हुए बकरे 4 महीने से मेरे पास ही है, वैक्सीन में पीपीआर लग चुका है, डीवॉर्मिंग वैक्सीनेशन सब हो चुका है इनका। ये जब लाए थे क्या वजन पे था ये? तो भाई मैं तब वजन नहीं किया था, काटा नहीं था मेरे पास तब एक्चुअली, लेकिन ये होएगा
अराउंड 32 किलो, 32 केजी पे अराउंड, 32 केजी, 34 केजी, उससे ज्यादा नहीं होगा भाई, क्योंकि ये हल्का था। साइज देखिए, चीज देखिए, और लाइव अगर देखिए, माशाल्लाह रिंकल वगैरह अच्छी क्वालिटी। ये समझो भाई मेरे को 6 महीना हुआ है, समझो 5 महीना हो गया, छठा चल रहा है, चल रहा है, 4.5 का एवरेज दिया है, 4.5 का एवरेज दिया है, अगर हिसाब मारेंगे तो, हिसाब मारेंगे तो 4.5 का, वो भी बारिश के मौसम में, और जो की बारिश अपने यहाँ बहुत अच्छी हुई है, अच्छी हुई है जी भाई। तो बारिश में बहुत से इशू रहते हैं, बकरा वजन लेता, वजन नहीं लेता बारिश से, नमी से थोड़ा घबराता है, और मेन बात गिल्ला दाना मैं खिला दो तो गिल्ला दाना और बारिश में तो वो थोड़ा वो ज्यादा हो जाता है। तो ये एक चीज अच्छी है कि जो बारिश के सीजन में इसने वजन अच्छा लिया है, तो अब तो उम्मीद है कि अब यहाँ से वजन बढ़ने का टाइम जी इंशाल्लाह बढ़ेगा, वजन बढ़ने का टाइम आ गया है। हाँ, तो यहाँ से पिक करेगा अच्छा वजन इंशाल्लाह। और एक चीज और ये है कि अगर कोई कंटिन्यू यहाँ पर पलाई पर रखना चाहता है, तो अगर पलाई पे कोई रखना चाहता है तो अपना कैसा है, 50 केजी तक का 2500 रुपया, और उसके ऊपर जो भी रहेगा, अंडू दो, खस्सी दो, 3000 रुपये, 3000 रुपये फ्लैट रेट यही रहेगा। अंडू चाहे खस्सी 50 के अंदर है तो 2500 रुपया, 50 के ऊपर गया तो 3000 रुपये, और जिस दिन 50 तुलेगा उसके अगले महीने से आपको 3000 रुपये देना पड़ेगा। चलेगा, लेके जाना तो लेके जा भी सकते, लेके जाना लेके जा भी सकते, ठीक है। इसके बाद कौन सा बकरा दिखाएंगे, बकरे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे है और अच्छे क्वालिटी के, देखिए तैयारी देखिए माशाल्लाह, ये तो मेरे सामने लिया गया है, क्या बात है, बच्चा देखिए व्हाइट आईज में, व्हाइट आईज हाइपेड, ये है दो दांत, दो दांत पे ये रिंग कलर रिजवान भाई, माशाल्लाह देखिए चीज देखिए क्वालिटी, ये थोड़े बाल कटे हैं इस वजह से इसके रिंगल थोड़े ढक गए, इतना नहीं दिख के आ रहे, बाल अगर और होते तो इसको और दिख के आते, और दिख के आते। ये क्या वजन तुला है, ये भी 58 तुला है भाई, 58 किलो, ये भी आया है 58 किलो, ये भी आया, दो दांत पे बच्चा व्हाइट आईज बेहतरीन क्वालिटी चीज। इसका डिमांड क्या कर रहे हो, इसका भाई 34,000, 34,000 रुपये, माशाल्लाह क्वालिटी है, सीना वगैरह सब चीज लाइन लेवल, देखिए बच्चे की दम ठोस बच्चा है भाई, ठोस बच्चा है, दो दांत पे अभी, तो दो दांत पे भाई, अच्छा देखिए क्या बात है, और अभी बाल रहेंगे तो रिंकल तो भाई बहुत, बाल रहेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे रिंकल, माशाल्लाह क्या बात है, बकरों की तैयारी माशाल्लाह बेहतरीन हुई है, और रिंकल देखिए, चीज देखिए जी भाई, ये भी हाइब्रिड में, ये भी हाइब्रिड, ये अभी तीसरा दांत निकाला है, देखो तीसरा दांत निकाल रहा है, तीसरा दांत निकाल रहा है, इसका रिंकल देखिए भाई, इसके जो नाक है ना, नाक पे रिंकल, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये और लटक के आएगा, माशाल्लाह। छोड़ दो बकरे को, छोड़ दो बकरा, देखिए चेहरा देखिए क्या माशाल्लाह, चेहरे का बकरा, ये क्या वजन पे है अभी, 58 भाई, 58, ये भी सब सेम वजन चल रहे हैं, सब सेम 56 58 है भाई, इनमें तीनों में से कोई एक 56 होएगा, बाकी दोनों 58 है। ये क्या दांत पे, तीसरा दांत निकाल, तीसरा दांत ही अब भी निकाल रहा, माशाल्लाह लेकिन बच्चा देखिए, अच्छा व्हाइट आईज है, व्हाइट आईज है, ये भी हाइपेड है, हाइपेड। इसका डिमांड, इसका डिमांड भाई 35,000 भाई, इसका एक है ये कान थोड़ा सी यहाँ से नीचे से थोड़ा सा एकदम, उससे कोई इशू नहीं है, कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन ये हल्का सा एक पॉइंट कट है, लेकिन रिंकल देखिए माशाल्लाह बच्चे की, किसी को लेकर जाना है तो लेके जा भी जा सकते हैं, और यहाँ कंटिन्यू पलाई पर रखना, तो यहाँ कंटिन्यू पलाई भी रख सकते, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा भाई कि यहाँ पर बच्चे सेट है, अच्छे सेट है, यहीं रखिए तो अच्छा रहेगा, कंटिन्यू कोई और जगह भी अगर बकरा जाएगा तो थोड़ा एक महीना घबराएगा, घबराएगा, वजन तोड़ेगा, सही है, यहाँ सेट है तो यहाँ से आपको कंटिन्यू रख सकते, और ये भी अंडू है, ये भी अंडू है, माशाल्लाह क्वालिटी चीज लाजवाब, और क्वालिटी है चीज है, और अच्छे प्राइस में, क्योंकि ये सब बच्चे आप बाहर देखेंगे तो फिर वो कुछ भी प्राइस का मामला रहता है, और यहाँ पर ये अच्छा है आपको कि महाराष्ट्र में क्लाइमेट सेट है, यहाँ अगर क्लाइमेट सेट है, वैक्सीन पीपीआर हो चुका है, माशाल्लाह बेहतरीन चलेगा। लास्ट वन कौन सा है, कलेक्शन देखिए माशाल्लाह, मतलब एक कम बकरे पाल रहे हैं लेकिन अच्छा शौक बोलेंगे ना तो वो शौक कर रहे हैं, और अच्छी तैयारी पे बकरे माशाल्लाह,
ये क्या डिटेल पे भाई? ये भाई ये 60 किलो अराउंड होएगा। ये भी मेरे को समझो 4.5 का एवरेज दिया, 4.5 किलो का एवरेज ये भी दिया है। इसका दांत है भाई अदंत, अदंत है भाई माशा। और ये देखो भाई अदंत गैप है, कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, 1.5 से 2 महीने तक मेरे हिसाब से दांत नहीं करेगा, नहीं करेगा। जहाँ तक है तो दांत नहीं तो करना चाहिए, लेकिन क्वालिटी है, क्वालिटी है, बार बार खुल है पूरा। अभी तो भाई इसको भी रिंकल वगैरह बहुत आएंगे इंशाल्लाह जी भाई, अभी तो ये बच्चा है भाई। दूसरी चीज, एक चीज मैं बोलूँ, ये तो बच्चे अच्छे लग ही रहे, लेकिन ये अगर बाल होते ना भाई तो ये सुपर डुपर क्वालिटी दिखती, दिख के आती चीज। और ये माशाल्लाह बच्चों का चेहरा ही देख लीजिए, खड़ा है सामने। ये दिखाए थे ना आपने? हाँ जी, ये दिखा दे, ये कोटा दिखाए थे, हाईपेड है वो दिखाए थे, यहाँ पे ये वाला दिखाए थे, और माशाल्लाह एक ये दिखाए थे। क्वालिटी देखिए, ये सब जब बाल आ जाएंगे तो ये कुछ अलग ही बच्चे दिखेंगे। और प्राइस भाई बहुत माशाल्लाह मांगे, ये सब बच्चों का प्राइस ही अलग होता है एक्चुअल में देखा जाए तो। और ये तो आप पाल के बेच रहे हो, पाल के बेच रहे हो फिर मसला ही नहीं है। बच्चा ये भी देखिए माशाल्लाह, अदन 60 किलो, 60 किलो आराम से आएगा। डिमांड 37,000 और अंडू है, अंडू है, ये भी अंडू है माशाल्लाह। शौक करना है, अच्छे बच्चे लेना है, चारों बच्चे ला जाओ अगर जी, ये बोलूँगा चारों बच्चे ला जाओ बिंदास लेकर, शौक पूरा करें। और शौकीन बच्चे है ये, ये ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ऐसे बच्चे देखने मिलेंगे जी भाई, ये शौकीन बच्चे हैं बहुत कम होते हैं। और ये इनके वहाँ तैयार हो गए और खिल गए जी भाई, इनकी पहले की वीडियो भी है, पहले की वीडियो भी है आपके चैनल पे बकरीद के टाइम, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते, देख सकते हैं। जब तो ये लग सब बकरे दिखाया हूं मैं करीब करीब तब, जब तो ये लग भी नहीं था कि ऐसे जाएंगे जी भाई। रिंकल का नाम कुछ नाम नहीं था इनके ऊपर, और लोग बोलते हैं हाँ कि नॉमिनल बच्चे है ठीक है ओके, लेकिन आज बच्चे देखिए। यही होता है कि एक जो क्वालिटी होती है ना, जब वो बन के मिलती है जी तो उसका मजा अलग आता है। क्वालिटी पहले पहचानने में आना चाहिए, हाँ। बाद में क्वालिटी दिखाती है कि मैं क्या चीज़, मैं क्या चीज़ कि ये आगे चल के क्या बनेंगे, यही पहचानना होता है। इसीलिए जो बच्चे अच्छे लगते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं कि बच्चे ये अच्छे है, तो ये बच्चे तो अभी पूरा टाइम बचा है इनके पास, पूरा टाइम अभी तो, और इंशाल्लाह ये जाना चाहिए 70 किलो के ऊपर प्लस, 70 तो अभी चले जाएगा इंशाल्लाह, ये चला जाएगा 80 प्लस जाना चाहिए मेरे साथ, 80-85 किलो में, लेकिन बकरा अलग दिखेगा और दो दांत पे रहेगा, दो दांत पे रहेगा तो बेहतरीन। बच्चों की क्वालिटी देखिए क्या बात, 37,000 किसी को अगर यहाँ पढ़ाई पर रखना है तो ये सब बच्चों का 3,000 रुपये पढ़ाई चार्ज है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें अपना सब कुछ इंक्लूड है, मतलब जो रहता है खाली आपको पढ़ाई देना है, अपन पढ़ाई ले रहे हैं सिर्फ, टेक केयर जो जो रहता है सब, वैक्सीनेशन तो सबका हो गया है, कभी खुदा ना खास्ता बीमार होता है तो दवा ववा सब कुछ इंक्लूड है। खाने में अपना जाता है, एक टाइम चूनी चलता है, एक टाइम मक्का चलता है, हरी पत्ती चलती है, और हरी पत्ती चलती है जी भाई। और बाकी कैसे हम बाकी वैक्सीनेशन सब हो चुकी है, डीवॉर्मिंग होते रहती है हर 3 महीने पे, प्रॉपर डीवॉर्मिंग होती है हर 3 महीने पे, और अपना हिमालय बत्तीसा सब हाजमे के लिए एकदम प्रॉपर काम चलते रहते हैं। मैं यही बोलूंगा कि भाई जगह अभी अच्छी है, आप एक बकरा भेज कर देखिए, मैं ये बोलूंगा पर्सनली। घर के ऐसे बकरे पल रहे हैं जी भाई, और काफी सालों से आप शौक कर रहे हैं, काफी सालों से मतलब मैं देख रहा हूँ कि जाना आना राजस्थान भी साथ में गए, करीबन करीबन 8-10 साल हो गए, शायद 2014 में गए थे, 9 साल हो चुके हैं हमने राजस्थान का टूर भी मिलके किया था, तो काफ़ी सालों से शौक है। और अब धीरे धीरे पलाई का काम स्टार्ट करें, और काफ़ी अच्छे माशाल्लाह, ये फर्स्ट साल जो मैं देख रहा हूँ कि अभी आप पलाई का काम चालू कर रहे हैं, ये पहला साल है, पर्सनल पूरे घर के बकरे पलते हैं, घर के बकरे पलते है ना, ठीक है। तो सपोर्ट करें इंशाल्लाह, एक बकरा रखे देखें ज़्यादा नहीं है ना जी भाई, ठीक है। तो और रिजल्ट दिखा देता ना मैं आपको, वो जो बोर है, हाँ हाँ हाँ, ये अपने पास आया था समझो 4 महीना पहले आया, 4 महीना पहले 36 kg पे आया था, आज 60+ है, 60+ है, एवरेज 6 किलो का एवरेज अगर आप पकड़ेंगे तो 6 किलो का एवरेज दिया। और ये बेचना नहीं है? नहीं ये बेचना नहीं, कस्टमर का। अच्छा, पलाई पे, पलाई पे, ठीक है। नहीं मैं मतलब एक क्या रिजल्ट के हिसाब से मैं दिखा दिया कि बकरे ये ऐसा है, तो जिसका भी है कमेंट करके बता सकते हैं जी भाई कि सेटिस्फाई है नहीं है जी जी जी, ठीक है। तो जी भाई क्लोज करो वीडियो, जी भाई क्लोज करो, चलो अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह। तो वीडियो मैं क्लोज करता हूँ, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।